कुमार काफी चर्चे में बने रहते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिला पाए, लेकिन जो बजट वो पेश किया गया है इससे कई तरकीबें लगाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जो बजट है वो बिहार के विकसित के लिए बनाया गया है, वही विपक्ष लगातार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये बजट नहीं है, झुंझुना थमाने का काम किया गया है और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। लेकिन जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश घेरे में बने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाना उनके लिए जरूरी हो गया था, लेकिन जिस तरह से वो महिलाओं प्लस बच्चों के हित के लिए जो कदम उठाए वो वाकई सराहनीय है। सीएम नीतीश ने बहुत बड़ा फैसला लिया है इस बजट के सन में। जिस तरह से उनकी बातें और बोलबाला जारी थी, यहाँ तक कि जो जनता थी उनसे उम्मीदें जो लगाई थी कि सीएम नीतीश बिहार की जनता के लिए डटे रहेंगे, बिहार की जनता को बिहार में विकसित बिहार की सपने को साकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बावजूद अब सीएम नीतीश को मुंह छुपाना तक पड़ गया था। लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने बजट की प्रशंसा करते हुए एक नया बहुत बड़ा कदम उठा लिया है जो कि बच्चों महिलाओं के हित के लिए है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि चिराग पासवान के भाई कहे जाने वाले राजेश वर्मा भी जिस तरह से सदन में आए दिन बिहार के विकास की गुंजाइशें की, बिहार के विकास की बातें की, उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण की बातें की। इसे लेकर भी कई खबरें सामने आ रही थी कि राजेश वर्मा भी चिराग की जगह लेने जा रहे हैं। जिस तरह से चिराग आए दिन बिहार के विकास के बारे में बात करते हैं, अब राजेश वर्मा भी न सिर्फ खगड़िया बल्कि बिहार के विकास के बारे में बात कर रहे हैं और सीएम नीतीश का तो आए दिन चर्चे में बने ही रहते हैं। लेकिन जो बड़ा कदम उन्होंने उठाया है अब इसे लेकर न सिर्फ बच्चे महिलाएं बल्कि हर कोई खुश है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि ऐसा क्या बड़ा कदम उठा दिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार सरकार ने आम लोगों के हित में बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है, खासकर उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पिता नहीं रहे। जी हाँ, नीतीश सरकार की सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जो अपनी माँ के साथ रहते और उनकी उम्र 18 साल से कम है। यह मदद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा और वहां आवेदन देना होगा। वहीं आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चे को वाकई मदद की जरूरत है भी या नहीं। इतना ही नहीं, सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी माँ के संयुक्त बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। सबसे जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी माँ के साथ रहता है तभी उसे यह मदद मिलेगी। इसके अलावा परिवार की सालाना कमाई 95,000 और 72,000 रुपए गांव से कम होनी चाहिए। एक माँ की ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही यह मदद मिलेगी। वही बच्चों को यह मदद उसके 18 साल के होने तक या फिर 3 साल तक जो भी है पहले ही दे दी जाएगी। वही उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो उसे 3 साल तक मदद मिलेगी, लेकिन अगर कोई बच्चा 17 साल का है तो उसे सिर्फ 1 साल तक यानी कि 18 साल का होने तक ही मदद मिलेगा। आखिर आपको बता दें कि जो विधवा महिलाएं हैं यानी जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उन बच्चों के लिए ये काम करेगा। उतना ही नहीं, आपको इस योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी और मदद पाने के लिए बच्चे और उसकी माँ का ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी जरूरी है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से कागजात उसमें जरूरत होंगे। तो आपके बीच हम ये भी बताते हैं कि उसमें आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की छाया प्रति, पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, संयुक्त बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये ऐसे कागजात हैं जो होना जरूरी है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से इन 6-7 कागजात के होने के बाद सीएम नीतीश उन बच्चों को, उसकी माँ को पैसे देंगे हर महीने 4,000 उनके खाते में चले जाने चाहिए। हालांकि सीएम नीतीश का ये फैसला कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी भरोसेमंद हो जाता है। जब एक महिला अकेले अपने बच्चे की भरण पोषण करती है तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस छोटी रकम से कहीं ना कहीं उन्हें मददगार मिल रहा है सीएम नीतीश के द्वारा। सीएम नीतीश की इस स्कीम को लेकर कई तारीफें हो रही है। वही विपक्ष के नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि अब पैसे बांट करके वो अपनी बोलबाला जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल
चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।